इस तीव्रता वाला, इस तीव्रता के भूकंप से भी अगर हम अपने आप को बचा पाते हैं, बचा पाए हैं, या अभी भी हम पर खतरा है, हमें कुछ और करने की जरूरत है? ये भूकंप अकबर के समय भी आए होंगे, अशोक के समय भी आए होंगे। नुकसान में क्या फर्क है सर? नुकसान में फर्क है कि जनसंख्या का घनत्व बहुत बढ़ गया है। नुकसान का फर्क है कि पहले लोग प्रकृति का आदर करते थे, अब नहीं करते हैं। नुकसान का यह फर्क है कि अब ऐसी इमारतें बनाई जा रही हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं हैं, लेकिन तब भी लोग रह रहे हैं। नुकसान का सबब यह है कि लोगों को इसके बारे में इतनी चिंता अब इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन से इतने परेशान रहते हैं कि वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे सके कि हर रोज़ अगर कोई ऐसी आपदाएँ आती हैं तो अपने आप को बचा कैसे सके। नुकसान इसलिए अधिक होगा कि लोगों ने अपने आसपास में जो प्रकृति के कवच होता है उसे छोड़ दिया है, और नुकसान इसलिए भी होगा क्योंकि लोग इस बात से अपने आप को अवेयर भी नहीं करना चाहते हैं, और नुकसान इसलिए भी होगा क्योंकि हम लोग हमेशा इस बारे में बातचीत करते हैं और एक बातचीत के दौर में और दूसरे बातचीत के दौर में ना तो सरकार द्वारा, नहीं लोगों के द्वारा, ना उनकी जागरूकता में किसी भी स्थान पर कहीं भी कोई अंतर नहीं आता है। जहाँ बातचीत पहले होती थी वहाँ पर अभी भी होती है।